देखिए, क्योंकि धीरे धीरे हमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको पटरी पर लाना है, इसी दिशा में सरकार का प्रयास है। क्योंकि ये अनिश्चित काल तक बंद नहीं रह सकती चीज़ें, तो इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप खोला जाना है। 20 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है। तो आमजन से आग्रह यही है कि कृपया करके जो अपनी जिम्मेदारी है, जो एक समझ है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हैं, उनका पालन करें, ताकि ये जो रिलैक्सेशन है ये हमें लगातार मिलता रहे और आगे चल के और सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। क्योंकि यदि यहाँ पर लैप्स होता है और लोगों के द्वारा लापरवाही या ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो संभव है कि जो रिलैक्सेशन अभी हुए हैं वो भविष्य में बंद कर दिए जाएं या कम कर दिए जाएं। तो मेरा आग्रह सबसे यही रहेगा कि जो जिम्मेदारी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो साफ सफाई की सुविधाएं हैं, जो मास्क पहनना है अपने को, उन चीज़ों का पालन करें, ताकि भविष्य में हम पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ सकें। पुलिस अधीक्षक ने बताया किन शर्तों पर मिलेगी लॉकडाउन में आंशिक राहत। 20 अप्रैल से लॉकडाउन में आंशिक राहत दी जा रही है, लेकिन इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पहले के जैसे ही पूरी तरह सील रहेंगी और साथ ही दो पहिया और चार पहिया वाहनों का मूवमेंट भी बंद रहेगा। यह जानकारी संकट प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक मंडला दीपक कुमार शुक्ला ने दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने जिले की सीमाओं में बनाए गए चेक पोस्ट में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी, साथ ही और क्या प्रतिबंध रहेंगे इसकी विस्तार से जानकारी दी। ऑलरेडी हमारे 7 चेक पोस्ट ऑपरेशनल हैं इस समय, जो कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले की सीमा, और हमारा एक चेक पोस्ट जो मंगली में है जो कि छत्तीसगढ़ से हमारी सीमा को सील करता है। कल से हम एक और चेक पोस्ट जो बालाघाट की तरफ है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। ये सभी जो हमारे चेक पोस्ट हैं ये 24 घंटे इस समय ऑपरेशनल हैं। यहाँ पर पुलिस का अमला और स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार लगा हुआ है। आवश्यक व्यवस्थाएँ जैसे कि टेंट, लाइट इत्यादि भी उपलब्ध कराई गई हैं। कई जगह पर कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर और आवश्यक दवाइयाँ भी रखी गई हैं, ताकि जो भी लोग आते हैं उनका मेडिकल स्क्रीनिंग किया जा सके, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो सके और उनको आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकें। साथ ही ऐसे बिंदुओं पर यह भी देखा जा रहा है कि यदि किसी में कोई सिम्टम है तो उनको वहीं से क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए भेजा जा रहा है।